हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मानसून स्पेशल पकौड़े। आप भी वीडियो में बने रहिए और इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले मैंने 1.5 कटोरी चावल और 1 कटोरी मिक्स दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसे पीस लूँगी। उसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक यूज़ किया हुआ है और अब मैं विस्कर की हेल्प से अच्छे से विस्क कर लूँगी और इसमें थोड़े से कुछ मसाले मिला दूँगी। जैसे मैंने जीरा डाला है, चिली फ्लेक्स डाली है, मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी और मैं साबुत धनिया भी यूज़ करूँगी और मैंने थोड़ा सा इसमें हींग भी यूज़ किया हुआ है और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तेल गरम होने रख दिया था तो अब हम इसके पकोड़े तलना स्टार्ट करते हैं। और पकोड़े हमें मीडियम फ्लेम पे ही तलने हैं। हाई फ्लेम करेंगे तो हमारे पकोड़े जल जाएंगे और पक नहीं पाएंगे। अब मैं फोक की हेल्प से पकोड़ों को थोड़ा सा अलग पलट दूंगी, इससे ये हर तरफ से अच्छे से पक जाएंगे। पकोड़े अब पक चुके हैं, इन्हें हम स्ट्रेनर की सहायता से निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी पकोड़ों को भी हम बना लेंगे। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप पकौड़ों को घर में ज़रूर से ट्राई कीजिए। मिक्स दाल और चावल के पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर से दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।